जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने आज जिला मुख्यालय स्थित राजकीय लुहिया महाविद्यालय में हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ कर युवाओं से मतदान में भागीदारी की अपील की। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने कहा कि सभी मतदाता अपना दायित्व समझकर मतदान में भागीदारी निभाएं। लोकतंत्र में मतदान का अधिकार सर्वोच्च अधिकार है। 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी पात्र वयस्कों को मतदाता सूची में आवश्यक रूप से पंजीकरण करवाना चाहिए। स्वीप नोडल अधिकारी CEO PR मीणा ने बताया कि जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने तथा लोकसभा आम चुनाव 2024 में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाकर जागरूक किया जा रहा है। इस अवसर पर लुहिया महाविद्यालय प्राचार्य मंजू शर्मा, APRO मनीष कुमार, स्वीप प्रकोष्ठ सहायक नोडल अधिकारी शांतनु डाबी आदि उपस्थित रहे। स्वीप के तहत आज हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई है और वैसे भी सारे वोटर्स अब काफ़ी अवेयर हैं, बट दिस इज अ काइंड ऑफ एक्टिविटी जहां लोगों का इन्वॉल्वमेंट और जुड़ता है और उन लोगों को पता चलता है कि वोटिंग कितनी अनिवार्य है एंड नॉट ओनली अ राइट, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। राजलदेसर पुलिस थाना में थाना प्रभारी शंकरलाल का स्थानांतरण होने के बाद उनकी जगह गीता रानी विश्नोई ने आज पुलिस थाना परिसर में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कहा कि राजलदेसर कस्बे में जुआ सट्टा एवं अवैध कारोबार करने वाले व्यक्तियों को किसी तरह से बख्शा नहीं जाएगा, साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए पूरा प्रयत्न किया जाएगा। अतिशीघ्र ही CLG सदस्यों का गठन किया जाएगा जिसमें सामाजिक लोगों को सम्मिलित किया जाएगा एवं कस्बे में शांतिपूर्ण बनाए रखने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। मैडम, आपने आज राजलेसर पुलिस थाना में पदभार ग्रहण किया है, मुझे तो आपको बहुत बहुत बधाई पूरे राजलेसर कस्बे की ओर से। आपकी क्या प्रायोरिटी रहेगी, प्राथमिकता रहेगी राजलेसर के अंदर? राजलेसर में मेरी प्राथमिकता एक तो जैसे आमजन की जो भी समस्याएं हैं उनका त्वरित समाधान करना और आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास पैदा करना, उसके अलावा अपराधियों में डर और जो भी अवैध जो नशा शराब वगैरह के तस्कर है या फिर जो जुआ सट्टा के अवैध जो कारोबार करते हैं उन पर सख्त कार्यवाही करना और जो महिला सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर कार्य करना और महिलाओं से संबंधित अपराधों पर अंकुश लगाना और जो कस्बे की ट्रैफिक व्यवस्था है उसमें सुधार करना। जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने आज जिला कलेक्टर सभागार में 100 दिवसीय कार्य योजना को लेकर समीक्षा बैठक में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जिला कलेक्टर सत्यानी ने कहा कि सभी अधिकारी अपने विभागों द्वारा 100 दिवसीय कार्य योजना में निर्धारित किए गए कार्यों का समयबद्ध ढंग से पूर्ण करें तथा योजनाओं की क्रियान्विति की समुचित मॉनिटरिंग करें, किसी प्रकार के प्रकरणों में टाइमलाइन निर्धारित करें तथा स्वविवेक से निर्णय लेते हुए नियमानुसार निस्तारित करें। ई मित्र संचालक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, नरेगा श्रमिक सहित सभी संगठित व असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों का आवश्यक रूप से पंजीकरण करवाया जाए। इस दौरान ADM उत्तम सिंह शेखावत, CEO PR मीना, ACO दुर्गा ढाका आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ की भाजपा महिला मोर्चा इकाई ने आज नमो ऐप डाउनलोड शिविर का आयोजन स्थानीय टैगोर पब्लिक स्कूल में किया। भाजपा शहर मंडल संयोजक महेश सैनी ने नमो ऐप डाउनलोड करने के स्टेप एवं उसके उद्देश्य के बारे में विस्तार से महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं को बताया। मंडल अध्यक्ष कुसुम शर्मा ने कहा कि महिला मोर्चा शहर मंडल ने कैंप के माध्यम से 77 महिला के मोबाइल में नमो ऐप डाउनलोड करवाया। अब महिला मोर्चा के कार्यकर्ता शहर के अलग अलग बूथ पे जाकर नमो ऐप डाउनलोड करवाने के लिए कार्य करेंगे। इस अवसर पर महिला मोर्चा जिला मंत्री कौशल्या सैनी, उषा शर्मा, यशोदा शर्मा आदि उपस्थित रही। नमो ऐप डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में नमो ऐप सर्च करें और डाउनलोड करें, उसके बाद प्रोफाइल कंप्लीट करें। मोबाइल नंबर डालने से OTP आएगी और मेल डालने के बाद मेल में OTP आएगी, वेरीफाई करें और नमो ऐप चालू करें। 22 तारीख से लेकर 25 तारीख तक का नमो ऐप का कार्यक्रम रखा गया है, तो यह कार्यक्रम मोदी जी का रखा गया है और आज हमने महिला मोर्चा के मंडल में 500 औरतों के मोबाइलों में नमो ऐप डाउनलोड करवाया है और 25 तारीख तक हम हर वार्ड में जाएंगे और मोदी जी ने जो टारगेट दिया है वो टारगेट पूरा करेंगे और नमो ऐप पे डाउनलोड ज़्यादा से ज़्यादा करवाएंगे।
संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर आज संयुक्त किसान मोर्चा चूरू ने शंभू बॉर्डर पर आंदोलनरत किसानों के जत्थे में शामिल युवा किसान शुभकरण सिंह की पुलिस की गोली लगने से मौत हो जाने के कारण काला दिवस मनाकर विरोध जताया। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता रामरतन सिहाग ने बताया कि केंद्र सरकार किसान आंदोलन के समय MSP पर कानून बनाने व स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने सहित 6 सूत्री मांगों को लेकर लिखित में आश्वासन दिया था, जो आज तक लागू नहीं किया गया है, जिसके विरोध में किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। किसान को गोली मारकर मौत के घाट उतार देती है, ऐसी सरकार निंदनीय है। इस मौके पर अरविंद भामू, किसान सभा अध्यक्ष इंद्राज सिंह, युवा नेता रामनिवास सारण आदि उपस्थित रहे। आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर शंभू बॉर्डर पे किसान युवा किसान शुभकरण सिंह की मृत्यु हो जाने के विरोध में आज पूरे देश के अंदर काला दिवस के रूप में संयुक्त किसान मोर्चा ये मना रहा है, तथा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर है, उनका सामूहिक संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा पुतला जलाकर के विरोध प्रदर्शन किया। राजल देसर में राजाणा मिट्टी प्रेमी सेवा समिति की ओर से रायचंद कुंडलिया की स्मृति में प्रदीप, विनोद व विवेक कुंडलिया परिवार कोलकाता के सहयोग से हनुमान सदन में आज निशुल्क एक्यूप्रेशर चिकित्सा शिविर लगाया जा रहा है। समिति के भजनलाल पारिक ने बताया कि शिविर में डॉक्टर शंकरलाल सोमानी कोलकाता के द्वारा रोगियों की जाँच कर उपचार कर रहे हैं। बीते 5 दिनों में करीब 400 से अधिक रोगियों की जाँच व उपचार कर लाभान्वित किया जा चुका है। शिविर 27 फरवरी तक प्रतिदिन सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक जारी रहेगा। योग व एक्यूप्रेशर चिकित्सा हनुमान सेवा सदन गांव राजलदेसर, जो राजाणा मिट्टी प्रेमी सेवा समिति सदस्य के मार्गदर्शन से यहां लगा है, जिसका सौजन्य स्वर्गीय रायचंद जी कुंडलिया परिवार से प्रदीप जी, विनोद जी, विवेक जी कुंडलिया परिवार ने इसमें सहयोग दिया है। उनके सहयोग से ये शिविर 19/2/2024 से 27/2/2024 तक निःशुल्क कुंडलिया परिवार की ओर से कर दिया गया है। इसमें सेवा दे रहे हैं गांव राजाणा मिट्टी प्रेमी सेवा समिति के सभी सदस्य। इसी तरह जरूरतमंद जो भी व्यक्ति हो, उनकी सेवा करना मुख्य उद्देश्य हमारी समिति का है, और हमारी समिति बराबर हर कार्य, हर क्षेत्र में, चाहे गौ सेवा हो, चाहे अन्य सामाजिक हो, चाहे और जरूरतमंद परिवारों की जीव की कोई भी सेवा हो, उसमें सेवा दे रही है। इसी तरह समिति सदैव सेवा दे रहे, इसमें सेवा दे रहे हैं डॉक्टर ललित जी सोमानी, जो कोलकाता से है। उन्होंने करीब 4 दिन में 300 रोगी यहाँ देखे हैं। सभी लोगों को इस एक्यूप्रेशर व चिकित्सा पद्धति से लाभ मिला है, और करीब 27 तारीख हजारों पेशेंट यहाँ लाभ लेंगे, यही आशा और विश्वास है। इसी तरह समिति सेवा करती रहे। मीडिया परिवार का भी बहुत बहुत आभार, जो आप बराबर सेवा दे रहे हैं। सुजानगढ़ ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पोथियावास में कार्यरत जूनियर असिस्टेंट प्रेरणा स्वामी के केंद्र सरकार के GST विभाग में इंस्पेक्टर पद के लिए चयन होने पर गुरुवार को विद्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रधानाचार्य कृष्णा सोलंकी ने कहा कि प्रेरणा ने कड़ी मेहनत कर सफलता हासिल की है, जो हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को इनकी सफलता से प्रेरणा लेनी चाहिए और हमेशा कड़ी मेहनत कर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। GST इंस्पेक्टर के तौर पर चयनित प्रेरणा स्वामी ने विद्यार्थियों से कहा कि युवाओं को बड़े सपने देखने चाहिए और उन्हें हकीकत में बदलने के लिए सतत मेहनत करनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने विद्यालय में पौधों की सुरक्षा के लिए लोहे की ट्री रेलिंग भेंट की। चूरू के श्री विश्वकर्मा मंदिर में आज श्री विश्वकर्मा मंदिर प्रबंधक समिति की नवगठित कार्यकारिणी का गठन किया गया। कार्यक्रम अध्यक्ष लूणकरण रोलीवाल ने कहा कि हमें आज के युग में समाज की प्रतिभाओं को शिक्षा के माध्यम से आगे लाना होगा, समाज को संगठित होकर युवा पीढ़ी के लिए कार्य करना होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बच्छराज काकरिया ने कहा कि समाज की प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए समाज के बच्चों को प्रेरित करना होगा, ताकि समाज के बच्चों का विकास हो सके। इस अवसर पर झूमरमल राजोतिया को अध्यक्ष, ओम प्रकाश राजोतिया को मंत्री, विष्णु कुमार रोलीवाल को कोषाध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति से निर्वाचित घोषित किया गया। मेहंदी प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता और चित्रकला प्रतियोगिता, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, सभी का
प्रतियोगिताएं करवाई गई, सभी का इनाम दिया गया। कर्मा जयंती महोत्सव पर सभी हर साल की तरह खूब हर्ष उल्लास से मनाया गया और समाज के सभी लोगों के उपस्थिति रही और नए अध्यक्ष का चुनाव करवाया गया, जिसमें अध्यक्ष श्री दुबरबल जी राजोतिया, मंत्री श्री ओम प्रकाश जी राजोतिया, कोषाध्यक्ष श्री विष्णु कुमार रोलीवाल, इनका समाज द्वारा सदैव पूर्वक स्वागत भी करवाया गया है। आज का ये भगवान विश्वकर्मा का जो महोत्सव है वो हर साल की भांति इस साल भी खूब धूमधाम से मनाया गया है। रतनगढ़ क्षेत्र के गुसाईसर गांव के राजकीय आयुर्वेद औषधालय आरोग्य समिति की ओर से गुरुवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लूंज के विद्यार्थियों को आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की विशेष औषधि स्वर्ण प्राशन ड्रॉप पिलाई गई। औषधालय प्रभारी डॉक्टर लीलाधर शर्मा ने बताया कि स्वर्ण प्राशन आयुर्वेद पद्धति की विशिष्ट औषधि है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता वर्धक है एवं बालकों के शारीरिक एवं मानसिक विकास में सहायक है। पुष्य नक्षत्र में इसका सेवन करने पर यह अधिक प्रभावी होती है। इस अवसर पर प्राचार्य एवं पीईओ शिवशंकर शर्मा, डॉक्टर लीलाधर शर्मा, राकेश कुमार बड़जाती आदि उपस्थित रहे। संभागीय आयुक्त डॉक्टर मोहनलाल यादव ने गुरुवार को जिले के विभिन्न सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाएं जांची और आवश्यक निर्देश दिए। संभागीय आयुक्त ने गुरुवार को रत्नगर में श्री अन्नपूर्णा रसोई का औचक निरीक्षण किया और रसोई की सेवाओं व भोजन की गुणवत्ता के संबंध में फीडबैक लिया। इस दौरान उन्होंने रसोई में खाना खाकर जा चुके लोगों को फोन किया तथा रसोई की सेवाएं, सुविधा व भोजन के बारे में पूछताछ की, जिस पर सभी ने संतोष जताया। संभागीय आयुक्त ने मौजूद कार्मिकों से कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुसार लोगों को समुचित गुणवत्ता युक्त भोजन मिलना चाहिए। संभागीय आयुक्त ने इस दौरान रतनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण करते हुए साफ सफाई व्यवस्था समुचित नहीं होने तथा बेडशीट गंदी पाए जाने पर नाराजगी जताई और कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी प्रकार की शिथिलता उचित नहीं है। वहीं संभागीय आयुक्त ने आयुष्मान कार्ड के लिए काउंटर बनाने के निर्देश भी प्रदान किए। बीएलओ कार्य को लेकर निलंबित कार्मिकों को बहाल करने के संबंध में आज रतनगढ़ के राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र शर्मा और ब्लॉक मंत्री भवरलाल पूनिया के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय का घेराव किया गया। संघ के प्रांतीय संयुक्त मंत्री शुभकरण नैन ने बताया कि उपखंड कार्यालय की अनुशंसा पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बापूनगर के शिक्षक तारचंद तथा राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल राजल देसर के कार्मिक गिरधारी लाल को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निलंबित किया गया है, जो कि गैर वाजिब है। संगठन द्वारा बार बार अवगत करवाने के बावजूद भी अनैतिक तरीके से शिक्षकों पर दबाव बनाया जा रहा है। चूरू के विश्वकर्मा मंदिर में श्री विश्वकर्मा मंदिर प्रबंध समिति की ओर से गुरुवार को विश्वकर्मा जयंती महोत्सव पर जांगिड़ समाज की 106 प्रतिभाओं को अतिथियों ने प्रतीक चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। महोत्सव में जांगिड़ समाज के प्रबुद्ध जनों ने भगवान श्री विश्वकर्मा की पूजा अर्चना कर हवन में आहुति दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे लूणकरण रोलीवाल ने कहा कि हमें आज के युग में समाज की प्रतिभाओं को शिक्षा के माध्यम से आगे लाना होगा, समाज को संगठित होकर युवा पीढ़ी के लिए कार्य करना होगा। इस अवसर पर बच्चराज काकटिया, मोतीलाल सुथार, भवनलाल चोयल आदि उपस्थित रहे। चूरू कलेक्ट्रेट में जिला टेंट लाइट डीलर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सरदारशहर में दर्ज मामले में सही व निष्पक्ष जांच कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर आज एसपी को एक ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष जुगल कम्मा व तहसील अध्यक्ष सिकंदर खान ने बताया कि जिला टेंट लाइट डीलर एसोसिएशन के सदस्य बन्ने सिंह के पास सरदारशहर में शिखावत टेंट के नाम से टेंट है, जिसमें कई मजदूर टेंट लगाने, उतारने व संभालने का कार्य करते हैं। 14 फरवरी को मंगलचंद मांगीलाल व नौशाद अली के साथ टेंट की बात को लेकर कुछ लोगों ने एक राय होकर मारपीट की व जेब में रखे रुपए भी छीन लिए। पुलिस अनुसंधान अधिकारी ने आज तक ना तो मुलजिमान को गिरफ्तार किया है और ना ही मुलजिमान से छीनी गई राशि बरामद की है, इसलिए ज्ञापन के माध्यम से प्रार्थी को न्याय दिलवाने की मांग की गई है। इस मौके पर प्रदीप शर्मा, अरविंद प्रेम सैनी आदि उपस्थित रहे। हमारे टेंट व्यवसायियों का टेंट कर्मचारियों के साथ और घरवालों ने मारपीट की गई है, तो हम एसपी साहब को ये ज्ञापन देने आए हैं कि उनको शीघ्रता से गिरफ्तार किया जाए और बढ़िया से बढ़िया कार्रवाई की जाए। आपका नाम? जुगल कम्मा।